खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। मोदी सरकार में शामिल होने से इनकार करने वाले नीतीश कुमार कल बिहार के कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। कायदे से विस्तार में बीजेपी वालों को भी मंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब जिन 8 लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें एक भी बीजेपी का नाम नहीं है। जो मंत्री बनेंगे वो सिर्फ जेडीयू कोटे के होंगे, यानी बीजेपी का कोटा भले खाली रह जाए लेकिन उस पर कल बीजेपी का मंत्री नहीं बनने जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, ये कहीं दिल्ली का बदला पटना में तो नहीं लिया जा रहा है? अखिलेश, ये बदले शब्द का इस्तेमाल तो ठीक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मोदी मंत्रिमंडल में बीजेपी के जो मंत्री शामिल हुए हैं उसमें से 5 में से 4 अगड़ी जाति के हैं, और जो कल विस्तार होना है उसमें पिछड़ी और दलित जाति, दलित के लोग सबसे ज़्यादा हैं। 8 में से सिर्फ 1 अगड़ी जाति से हैं और बाकी 7 पिछड़ी जाति से आते हैं। दलित के 2 मंत्री बनाए जाएंगे, एक तो ये मसला सामने है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से बीजेपी का 2 कोटा अभी खाली है और जितने भी मंत्री बन रहे हैं वो जेडीयू के हैं, और जो हमने जांच की, हमने लोगों से बात की बीजेपी के नेताओं से, तो उनका कहना था कि जल्दबाजी में उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो ठीक तरीके से बात कर पाते। दिल्ली से लेकर पटना के नेताओं के बीच में कोई सामंजस्य नहीं था, इसलिए वो तय नहीं कर पाए कि बीजेपी के कोटे से कौन मंत्री होगा। लेकिन अकेले ही ये जो विस्तार हुआ है इसे इस रूप में जरूर देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने करारा जवाब दिया है बीजेपी को कि वो जिस तरह से बिहार में चाहेंगे उस तरह से राजनीति भी करेंगे, सरकार भी चलाएंगे और उन पर किसी का दबाव नहीं चलेगा। संकेतों के बहुत मायने होते हैं प्रकाश, आप भी समझते हैं राजनीति में, तो क्या यह माना जाए सांकेतिक तौर पर यह कड़ा जवाब नीतीश कुमार का बीजेपी को? जी हाँ, जिस तरह से उनको सांकेतिक रूप से बीजेपी ने ऑफर किया था 1 सीट मंत्रिमंडल में, तो उसी तरह से इन्होंने ये संकेत दे दिए हैं बिहार की राजनीति में भी कि वो जिस तरह से राजनीति कर रहे थे बिहार में, और ज़्यादा तेवर दिखाते हुए, तलखी दिखाते हुए वो सामने रहेंगे। और बीजेपी में जो बड़े भाई की भूमिका उनकी है, जिस तरह से वो पिछले दिनों से सरकार चला रहे थे उसमें कोई किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, ये साफ संदेश और संकेत दोनों है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार, आपने विस्तार से ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।